तो एक अलग सा एक्सपीरियंस देखने को मिलेगा जब व्हाट इफ की एनिमेटेड सीरीज जो है वो हमारे सामने आएगी अगस्त के अंदर। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे व्हाट इफ के ट्रेलर के बारे में, क्योंकि बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूं जब से ये ट्रेलर देखा है। देखो ट्रेलर देखकर जितनी इसकी कहानी के बारे में पता चलता है कि शुरुआत के अंदर ही आयरन मैन दिखाए जाते हैं, टोनी स्टार्क दिखाए जाते हैं, वो आयरन मैन नहीं होते, उनके शुरुआती दौर में ही होते हैं, 2008 के टाइम की दिखाई गई है। तो वहां पर आयरन मैन जब वो मिलिट्री के साथ होते हैं, जैसे रियल एक्शन मूवी के अंदर दिखाया गया था आयरन मैन की, तो वहां पर जो बम आके उनके पास फटता है तो यहां उनको किडनैप कर लिया जाता है रियल एक्शन मूवी के अंदर। लेकिन इसमें उनको किडनैप नहीं किया जाता, मतलब इनको यहां पर बचा लिया जाता है किल मोंगर के द्वारा। और जो यहां पर किल मोंगर है वो किंग है वकांडा का, और साथ ही साथ वो ब्लैक पैंथर भी है। अब यही सोचो कि यार ब्लैक पैंथर का क्या, ब्लैक पैंथर को उठा लिया गया, आई मीन कि मतलब उसको किडनैप कर लिया गया योंडू के द्वारा। योंडू वही है जो गैलेक्सी ऑफ गार्डियन के अंदर हमें देखने को मिला था, नीला नीला सा था। योंडू पीटर क्विल को किडनैप करने की बजाय टिचाला को किडनैप करके लेके चला जाता है, और यहां पर फिर चीजें बदलनी शुरू हो जाती है। एनिमेशन है भाई साहब, कुछ भी कर सकते, एक काम करते हैं थानोस को उठाकर एवेंजर की टीम में डाल देते हैं, और जो इन्फिनिटी स्टोन है वो हम यहाँ पर स्पाइडरमैन को दे देते हैं और कहते हैं कि भैया बर्बाद कर लो दुनिया को। खैर खैर मजाक कर रहा हूं, मैं भी वैसे एक तरीके से अपना एक आइडिया देने की कोशिश कर रहा हूं, मुझे पता है वो चलेगा नहीं। और इसके बाद एक और जो चेंज किया गया वो कैप्टन अमेरिका भैया से रिलेटेड, कैप्टन अमेरिका भैया को यहाँ पर धोखा दे दिया गया, उनकी जगह यहाँ पर उनकी प्रेमिका दिखाई जाती है यानी पैगी। पैगी को यहाँ पर सुपर सोल्जर वाला सीरम दे दिया जाता है, और यहाँ पर कैप्टन कार्टर के नाम से वो हमारे सामने आती है। वैसे कैप्टन अमेरिका का हुआ क्या, यानी मतलब वो तो कैप्टन अमेरिका बने नहीं, स्टीव रोजर का क्या होता है? और स्टीव रोजर के बारे में सोच रहा हूं कि हमारे सामने आते हैं भाई ज़ॉम्बी जो है आयरन मैन और कैप्टन अमेरिका, मतलब इनको धोखा मिला तो इनको ज़ॉम्बी मिल गया, या फिर ये इसलिए चेंज हो गई जो इनको करना था एक्चुअल में इनको करने को नहीं मिला, मतलब बहुत ज्यादा पजलिंग है यार। और इसके अंदर जो ये चेंजेस देखने को मिले, तब से मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूं कि इस एनिमेटेड सीरीज में स्टोरी क्या होने वाली है यार, क्योंकि बहुत सारी चीजें चेंजेस हो रही है तो अलग से स्टोरी हमारे सामने निकल के आने वाली है। और ये जो ट्रेलर हमारे सामने आया वो इंग्लिश में आया है, कोई हिंदी में अब तक इसका कोई दूर दूर तक कोई नाता नहीं है। वैसे देखा जाए तो एनिमेटेड मूवीज हो या एनिमे सीरीज हो, एनिमे मूवीज हो या फिर ये एनिमेटेड सीरीज हो, तो यहाँ पर भैया एनिमेटेड सीरीज का हिंदी से भाई 36 का आंकड़ा रहता ही रहता है। और जाते जाते इस ट्रेलर के भी लास्ट में हमें वोंडा की एक झलक देखने को मिल जाती है, वैसे इसका इंपॉर्टेंस क्या है इसके अंदर, और स्पाइडरमैन की भी थोड़ी बहुत झलक देखने को मिलती है, और यहाँ पर एवेंजर की टीम देखने को मिलती है जिसमें ब्लैक पैंथर और पीटर क्विल की जगह यहाँ पर टिचाला दिखते हैं। ओवरऑल ट्रेलर मुझे काफी ज्यादा पसंद आया, क्योंकि यार जैसे इसके अंदर रिप्रेजेंटेशन की गई है लोकी का, यहाँ पर उसकी एक आर्मी लेके आना, वो हमला कर रहा है, पता नहीं क्या होने वाला है स्टोरी के अंदर, सच में बहुत ज्यादा एक्साइटेड। और कोई भी यहाँ पर यार ब्रेक डाउन तो कर नहीं सकता, मुझे खुद नहीं पता और मैं करना भी नहीं चाहता ये सारी चीजें, बस उस दिन का वेट करना चाहता हूँ जिस दिन ये सीरीज जो है वो रिलीज होगी। उम्मीद करता हूँ यार एक साथ ये सारे के सारे एपिसोड रिलीज कर देंगे, एक एक करके ना करें यार। यार अगर आप लोगों ने ये ट्रेलर देखा तो प्लीज कमेंट करना कि आप लोगों को कैसा लगा, और आप लोग क्या सोचते हैं कि क्या होने वाली है स्टोरी, आप तो कर ही सकते हो कमेंट बॉक्स में। तो बस आज के लिए इतना रखते हैं इस वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।